हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मैं छुट्टी करने वाला था क्या, आज की छुट्टी करने वाला था मेरे दोस्तों, गला खराब था क्या, गला बिल्कुल खराब है मेरे लाडलो। मैंने सोचा छुट्टी कर देता हूँ आज की, पर फिर मैंने सोचा छुट्टी करने से नुकसान किसका होगा, आपका होगा मेरे दोस्तों। दिल्ली पुलिस का जिनका भी एग्जाम है वो ये जानना चाहेंगे कल कैसा पेपर आया था और भविष्य में कैसा आ सकता है। आप यकीन मानिए मेरे दोस्तों, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड करी उनको किसी किसी शिफ्ट में तो मेरे दोस्तों 10-10 सवाल एक साथ मिल गए क्या उसी क्लास से। तो फिर मैंने सोचा अगर मैंने ये डेली सीरीज नहीं चलाई तो इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, किसी एक शिफ्ट का पेपर कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं क्लास आपके बीच में ला रहा हूं, उद्देश्य बिल्कुल साफ है, दिल्ली पुलिस में भविष्य में कौन से सवाल बन सकते हैं, किस प्रकार के सवाल मेरे दोस्तों अपनी क्लास से पूछे जा रहे हैं, कितनी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत आपको है भी नहीं दोस्तों। धमाका है क्या, धमाका है भाई साहब, किसका, फूल पत्ती का, रसगुल्ले का, जप नाम सीरीज का मेरे दोस्तों, धमाका चल रहा है, सीधा सवाल टपक रहा है कहां पर, एग्जाम के अंदर। एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर आपने निरंतरता नहीं छोड़ी चाहे किसी भी काम में हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका मेरे दोस्तों कोई बिजनेस हो, आप निरंतरता नहीं छोड़ते मतलब आप सफलता पर पहुंचने वाले हो। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, आज थोड़ा धीरे बोलूंगा जिससे मेरे दोस्तों कल जब मैं वापस आऊं आपके सामने पूरे जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में आपके बीच में वापस आऊं। तो आइए मेरे दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आपको पता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये क्लास रात को 9 बजे मेरे दोस्तों मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को 9 बजे, क्योंकि मेरे लाडलो अभी तक मेरे पास केवल 2 शिफ्ट के क्वेश्चन आए, कितना, 2 शिफ्ट के क्वेश्चन आए, उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपके सामने एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं रात को 9 बजे। आप सोचिए टीम मेरे दोस्तों रात को 9 बजे क्लास को रिकॉर्ड करवा रही है, उसको अपलोड करवाएगी मेरे दोस्तों, उसको टाइप भी किया है क्या, टाइप भी किया है, और गला खराब होने के बाद भी आपके बीच में मैं उपस्थित हूं, क्योंकि मेरे लाडलो आपसे कमिटमेंट है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दिन का डोज आपको कुमार गौरव के साथ मिलने वाला है। आइए आगाज करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से सवाल आए हैं, और मेरा केवल एक ही उद्देश्य है भविष्य में कौन से सवाल बन सकते हैं। अब तक मेरे दोस्तों 6 पेपर हो चुके हैं, कितने, 6 पेपर हो चुके हैं, और उन 6 पेपरों के अंदर मेरे दोस्तों लगभग मैं आपको 150 सवाल बताने वाला हूं, कितने, 150 सवाल बताने वाला हूं जो अपनी क्लास से हूबहू उठकर आए, उनसे कौन से नए 150 सवाल बन सकते हैं वो आपको मेरे लाडलों बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। देखिए कुछ सवाल मैंने आपको कल भी डिस्कस किए थे क्या, वो सवाल मैं आपको फिर दिखा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा कौन से नए सवाल बन सकते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, हमें केवल पेपर को नस्ते नाबूद करना है, चाहे करंट में करें दोस्तों, स्टैटिक जीके में करें, हमारी क्लास से 10 से 15 सवाल पेपर में आने चाहिए दोस्तों, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा क्या, लक्ष्य पूरा होगा तभी औरों से अलग होने वाले, और जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। आइए फटाफट मेरे दोस्तों दोहराते हैं, फटाफट नोट कर लेना कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख फसल, फसल मेरे दोस्तों हर एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में फसल का क्वेश्चन निश्चित पूछा जा रहा है क्या, आप देखिएगा मेरे दोस्तों फसल का क्वेश्चन, रबी की फसल, किसकी फसल, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, और जायद की फसल है, तीनों का क्वेश्चन मेरे दोस्तों, कभी कभी तो एक ही शिफ्ट के अंदर दो दो क्वेश्चन है, किसके, फसल के। इसलिए भाई फसल को ढंग से पढ़ना, आपको यह पढ़ना है रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और एक रबी की फसल की जो ट्रिक है ना, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। जायद की फसल क्या है दोस्तों, खरबूजा तरबूजा, ये क्या है, जायद की फसल है, क्या है दोस्तों, खरबूजा है,
खरबूजा है, तरबूजा है, ये मेरे लाडलो किसकी फसल है, ये आपके जायद की फसल है, ये तो आप पहचान लोगे। लेकिन रबी की कैसे पहचानोगे? रबी की मैंने आपको बता दिया। खरीफ की दोस्तों दो चार फसल आपको जरूर ध्यान रखनी है, जैसे कपास। क्या है लाडलो? कपास। काली मिट्टी किसकी है? कपास की है। एक आपको ध्यान रखना है जूट मेरे दोस्तों। क्या है? जूट। आप जानते हो जूट क्या है रसगुल्लो? गोल्डन फाइबर। क्या? तो जूट भी आप ध्यान रखोगे अलग से। मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सवाल भी बन सकता है भविष्य में जूट के बारे में, गोल्डन फाइबर। किसके बारे में? गोल्डन फाइबर। आपसे ये पूछ सकता है रबी की फसल कब काटी जाएगी, कब बोई जाएगी। तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए, रबी, खरीफ और जायद। कॉफी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, ब्राजील ध्यान रखना है आपको कॉफी उत्पादन में। ब्राजील के बारे में आपको रियो ध्यान रखना है, 2016 का ओलंपिक। ओलंपिक से एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जा रहा है। क्या? हर शिफ्ट में आया है ओलंपिक से क्वेश्चन, हमें उसको पढ़ना है दोस्तों। 2016 का ओलंपिक कहां हुआ था? रियो के अंदर हुआ था। 2020 का 21 में दोस्तों टोक्यो में होगा। 2024 का कहां होगा? 2024 का पेरिस में होगा। कहां दोस्तों? पेरिस में। ये क्वेश्चन पूछ लिया दो बार। कितनी बार आया है? दो बार आया है। 2024 का होगा पेरिस के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला देखना, रेमन मैक्सेस अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया मनीला, एशिया का नोबेल पुरस्कार। और ध्यान रखना है रवीश कुमार को आपको 2019 में दिया गया था, अब की साल नहीं मिला। पीएम स्वनिधि योजना, दो चार योजनाएं पेपर में आ चुकी है। प्रवासी दोस्तों मैंने आपको बताया था, प्रवासी कल्याण योजना वाली जो है आ चुकी है, पीएम स्वनिधि योजना आ चुकी है दोस्तों, अटल भूजल योजना अभी आगे बताऊंगा, पेपर में आ गई दोस्तों अटल भूजल योजना। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, कल परसों की क्लास में पढ़ाया था मेरे दोस्तों, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम गुजरात में पेपर में आ गया, अभी सुनना मेरे लाडलो। तो ये स्वनिधि कौन सी है? स्ट्रीट वेंडर्स वाली। इसी में आपको ध्यान रखना है किसान योजना। कौन सी दोस्तों? किसान योजना। यही आपको ध्यान रखना है। देखिए COVID-19 से एक भी सवाल पेपर में नहीं आ रहा है, इस बात को गौर से सुनो रसगुल्लो। COVID-19 से कोई सवाल अभी तक की किसी भी शिफ्ट में पूछा नहीं गया। कारण क्या है दोस्तों? मुझे नहीं लगता आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान दो पुरस्कार के ऊपर, खेल के ऊपर, नृत्य के ऊपर, निधन के ऊपर, इनके ऊपर आप ध्यान दो। अगला देखना, रबी की फसल मैंने आपको समझा दी है, पेपर में आ रही है दोस्तों। रेपो रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों और रेपो रेट, ये फिक्स क्वेश्चन है ना। रेपो रेट क्या है? जिसमें मेरे दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उससे कोई बैंक उधार लेता है अल्पकालिक ऋण दोस्तों, वो है जिस दर पे लेगा, रेपो रेट है, ध्यान रखना है। भारत की जीडीपी में गिरावट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है रिपीट हो जाए। आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, यकीन मानो पांच सवाल तो दोस्तों मिनिमम आपको इन्हीं में से वापस मिलने वाले हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया था, सरस्वती सम्मान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सरस्वती सम्मान आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन अलग प्रतिरूप में पूछा गया है। वासुदेव मोही को मिला चेकबुक के लिए, सिंधी भाषा के लिए। पहला पूछ सकता है आपसे कौन सा दोस्तों? पहला जो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला था मेरे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को, वो आपसे पूछ सकता है। कौन देता है? ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों बिरला फाउंडेशन। ये सवाल आपसे नए बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, चुन्नी गोस्वामी, ये आपसे पूछा जा चुका है। फुटबॉलर भी है, क्रिकेटर भी है चुन्नी गोस्वामी, जिनका निधन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूडीज मेरे दोस्तों, जीडीपी में गिरावट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था, आ चुका है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। अनुच्छेद 40 मेरे दोस्तों, क्या कुछ अनुच्छेद हैं जो आए हैं? अनुच्छेद 40 आ चुका है। कौन सा? अनुच्छेद 40। एक मेरे दोस्तों संविधान संशोधन, टोटल कितने हुए हैं? 104, ये भी पूछा जा चुका है। 73वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको संविधान संशोधन याद रखने। इंद्रावती नदी मेरे दोस्तों मैंने आपको समझाया था, इंद्रावती नेशनल पार्क कहां है? छत्तीसगढ़ में, वो सवाल पूछा गया। 2021 विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर्बिया के अंदर है, भारत मेरे दोस्तों होस्ट करने वाला था, लेकिन फीस नहीं चुकाई, इसलिए क्या हो गया, ये नहीं हुआ। मैंने एक क्लास के अंदर दोस्तों, मुझे ये तो ध्यान नहीं है किस क्लास में, मैंने आपको भविष्य के जितने भी खेल हैं,
भविष्य के जितने भी खेल हैं वो लिखवाए थे, क्या एक क्लास में लिखवाए थे। अब मेरे दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए संडे को ढूंढूंगा, क्या संडे को वो ढूंढ लूंगा, और मंडे को मेरे दोस्तों सुबह वाली जो क्लास है उसमें जितने भी भविष्य के खेल हैं वो आपको मंडे को उपलब्ध करवा दूंगा। मतलब 2022 में कॉमनवेल्थ कहां होगा, बर्मिंगम में होगा, ये डिस्कस कर चुके हैं। 24 में ओलंपिक कहां है, 28 में ओलंपिक कहां है दोस्तों। अगला जो आपके फीफा वर्ल्ड कप है कितनी बार पूछा गया, कतर दोहा, क्या कतर दोहा। देखिए चोरी चोरा कांड, ये 4-5 क्वेश्चन तो दोस्तों हर शिफ्ट में रिपीट है, क्या याद कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अरे हिस्ट्री में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 दोस्तों। दूसरा आपका चोरी चोरा कांड मेरे दोस्तों, ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तीसरा स्वराज पार्टी, फिर कह रहा हूं नोट कर लेना, स्वराज पार्टी मेरे दोस्तों आपको याद है किसने बनाई थी, ये बनाई थी चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, किसने दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन सुनना, फोर्थ क्वेश्चन है 1916 लखनऊ अधिवेशन, कौन सा लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार। 1929 आपके लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, दांडी मार्च, कौन सा मार्च है, दांडी मार्च दोस्तों, ये ध्यान रखना, दांडी जो है मेरे लाडलो साबरमती से दांडी की यात्रा है, नमक कर तोड़ो आंदोलन है दोस्तों, और साथ में इसी से सवन्या विज्ञान आंदोलन 1930 के अंदर स्टार्ट हो गया। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप नोट करके रखना दोस्तों, ये वो सवाल है जो पूछे जा रहे हैं, क्या स्वराज पार्टी, जलियांवाला बाग, चोरा चोरी, इसने तो गजर मचा रखी है, क्या तीनों ने दोस्तों लगभग 7-8 बार पूछ लिया ये तीनों सवाल। अगला क्वेश्चन है 1916 लखनऊ अधिवेशन पूछ चुका है, वृद्धि हार्मोन पूछ चुका है, आपको दोस्तों कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष से निकलता है वृद्धि हार्मोन, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों, और आप जानते हो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, कौन सा, घेंगा रोग होता है। एड्रिनल करो या मरो हार्मोन दोस्तों एड्रिनल से निकलता है, पीनियल को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, इतना ध्यान रख लेना। और अग्नाशय मेरे दोस्तों इंसुलिन आ गया पेपर के अंदर, क्या पेपर में आ गया, अग्नाशय से इंसुलिन और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 से सुमन गावनी को मिला था, ये हमने डिस्कस कर दिया, पहले ही कर चुके हैं दोस्तों, है ना। भारत की पहली किसान रेल, ये भी मैंने आपको बताया था 7 अगस्त 2020 को कहां से, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में, देववाली से दानापुर के बीच में स्टार्ट होती है। एपिकल्चर अगला क्या बन सकता है, हमने डिस्कस किया था सेरी कल्चर, क्या मेरे दोस्तों अगला बन सकता है सेरी कल्चर, अभी बताऊंगा। देखिए मैं चाह रहा हूं कि मैं सारा डिस्कस कर लूं जो दो शिफ्ट के अंदर आया है, इससे दोस्तों भविष्य वालों को फायदा होगा। कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे मेरे लाडलो, इसका आपको फायदा अगली शिफ्ट में होने वाला है या नहीं होने वाला, मुझे लगता है होने वाला है, इसलिए आपके बीच में आ गया। सेरिकल्चर पूछ सकता है मेरे दोस्तों आपसे, इसका संबंध किससे, विटीकल्चर मेरे लाडलो, क्या अंगूर की खेती, सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन, विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती है, विटीकल्चर ये भी आपसे पूछ सकता है। पीसी कल्चर मेरे दोस्तों मत्स्य पालन है, पीसी कल्चर, क्या पीसी कल्चर। गुलवेकियन अवार्ड ग्रेटा थनबर्ग, 4-5 दोस्तों लड़कियों के नाम, शेरनियों के नाम ध्यान रखना, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है, गुलबेकियन अवार्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड। दूसरा है मलाला यूसुफजई दोस्तों ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में। तीसरा नाम ध्यान रखोगे पायल जांगिड़, चेंज मेकर अवार्ड। चौथा नाम ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों सुमन गावनी। पांचवा शिवांगी मेरे लाडलो, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है शिवांगी, सारे सवाल आप ध्यान रखना। अगला देखना सोडियम कार्बोनेट, ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन है कुछ केमिकल फॉर्मूला एक हमेशा पूछा जा रहा है, क्या आप इस बात को समझिए कौन से टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है डांस, कौन सा आ रहा दोस्तों डांस का, लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं आप कितने डांस पढ़ लो ये सही नहीं कर पाओगे, क्या ये जाने कहां कहां से निकाल निकाल के पूछ रहा है। किसी की किस्मत है दोस्तों कि वो पूछ ले असम का बिहू डांस, सत्रिया डांस, कथकली, कथक
ये किस्मत के ऊपर है क्या? मतलब आपका दो क्वेश्चन है डांस के, क्या हर पेपर के अंदर दो क्वेश्चन डांस के? एक क्वेश्चन तो 100% कह रहा हूं आपसे नहीं होगा, इसके चक्कर में मत पड़ना। क्या कहीं दोस्तों आप डांस की वीडियो सर्च करो मत करना, क्या मत करो सर्च मेरे दोस्तों, जिनका बहुत दूर एग्जाम है वो कर सकते हैं, तुम मत करो जिनका एक दो दिन बाद ही एग्जाम है, क्योंकि मेरे दोस्तों वो सवाल ऐसा आ रहा है जो शायद ही आपको मिलेगा, क्या गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आने के बाद दोस्तों किसी के पास उसका जवाब नहीं होता, ये हकीकत है, इसको पहचानो, क्या पहचानो। फिर देखना कावेरी नदी, दोस्तों देखिए कावेरी नदी पूछ ली है, क्या कावेरी नदी पूछ ली है बांध, अरे बताओ मेरे दोस्तों, मैंने आपको टिहरी बांध कल ही पढ़ाया था ना, ये आ सकता है पेपर में, आ गया टिहरी बांध। दोस्तों अब बारी किसकी है, अलमाटी बांध है आपके, मैटूर बांध है, हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों, इनकी बारी है, आ सकते हैं भविष्य के अंदर। टिहरी बांध उत्तराखंड में आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आ रहा है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल पेपर में बिल्कुल आ रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा दोस्तों आ चुका है, कालीबंगा राजस्थान ये भी आ चुका है, धोलावीरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तीन दुर्ग धोलावीरा गुजरात में, लोथल भी गुजरात में दोस्तों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोथल गुजरात में, समुद्र मेरे दोस्तों पोर्ट है बंदरगाह, और आपको ध्यान रखने हैं वो चारों स्थान मेरे दोस्तों जो आपसे कहे थे वो आप ध्यान रख लेना। INS विराट ये भी आ चुका है और हम बता चुके हैं इसके बारे में, ये दोस्तों डीकमीशन हो गया है, मतलब कि संन्यास की घोषणा कर दी है, समझना मेरी बात को, सवाल कैसे आए हैं दोस्तों, इनमें से कुछ सवाल तो सीधा रिपीट होंगे और कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना ये सवाल बन सकते हैं, वो भी दोस्तों बन सकते हैं। देखिए किस्मत का बड़ा खेल होता है मेरे दोस्तों, किसी के में 25 सवाल टपक जाते हैं, किसी के में 12 सवाल टपकते हैं, पर ये मान के चलिए अगर आप मेरे साथ में 2-3-4 महीनों से जुड़े हुए हो तो 10 से ऊपर सवाल आप इस क्लास से हंसते हंसते लोटपोट होते होते कर दोगे, क्या कर दोगे दोस्तों, सुनना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ 100% फिक्स क्वेश्चन है, सवाल आ रहा है एग्जाम के अंदर। 29 अगस्त को मिलते हैं मेरे लाडलो, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस को मिलता है, 25 लाख दोस्तों इसकी इनामी राशि वर्तमान में। पहला कल वाली शिफ्ट में क्या पूछा, पहला किसको मिला है, क्या पहला किसको मिला है, तो 1991 और 1992 में विश्वनाथन आनंद को मिला है, क्या विश्वनाथन आनंद शतरंज के जादूगर, किसके शतरंज के जादूगर। अब आपसे पूछेगा 2019 का भी ध्यान रखना है आपको, 2020 का भी ध्यान रखना है, क्या 2019 दीपा मलिक बजरंग पुनिया, 20 वाला तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है राहु रोहित शर्मा दोस्तों, मरियप्पन तंगावेलू, रोहित शर्मा आपके, विनेश फोगाट हैं, रानी रामपाल हैं, और मेरे लाडलो साथ में मानिका बत्रा। मानिका बत्रा का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या मानिका बत्रा का खेल कौन सा है, इनका है टीटी टेबल टेनिस, कौन सा टेबल टेनिस। इसके साथ में दोस्तों 2-3 नाम और ध्यान रख लेना मेरे रसगुल्लो, पेपर में पूछ सकता है, एक तो कोनेरू हम्पी, ये कोनेरू हम्पी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये किसकी शतरंज की है, क्या रैपिड चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है, कोनेरू हम्पी ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है, पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछ सकता है। जोशना चिनप्पा स्क्वैश की खिलाड़ी है दोस्तों, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखना आरबीआई, हर पेपर में आरबीआई आ रहा है, क्या कोई सी ऐसी शिफ्ट नहीं गई जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ रहा। अब तुम्हें काम किस पे करना है, तुम्हें आरबीआई पे काम करना है दोस्तों, इसको सर्च करो, क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यंग हिल्टन कमीशन, दूसरा क्वेश्चन 1934 का अधिनियम, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना दोस्तों, मुख्यालय मुंबई के अंदर है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अगला क्वेश्चन सुनना, 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। पहले कौन थे मेरे दोस्तों, ओशबोन स्मिथ, पहले भारतीय सीडी देशमुख। 24 में कौन थे, उर्जित पटेल। 23 में रघुराम राजन, तीनों ध्यान रखना, 23वां राजन, 24वां पटेल और 25वां दोस्तों शक्तिकांत दास। फिर आपसे अब की बार पूछा गया है डेप्यूटी गवर्नर, जो चार इसके डिप्टी गवर्नर है ना, चारों के नाम ध्यान करके जाना,
पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा गया क्वेश्चन है, रेपो रेट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखना आईपीएल 2020, ये भी मेरे दोस्तों फिक्स मानकर चलो। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, आईपीएल 2020, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीनों फिक्स है। क्या तीनों फिक्स है? आईपीएल 2020 में क्या पढ़ के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाना, मैंने एक क्लास में पढ़ाया है दोस्तों आईपीएल 2020 के बारे में। सुनना, आईपीएल 2020 पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा सीजन है, 13वां सीजन है, कहां पर हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता है पांचवी बार, इसके कप्तान कौन थे, ये पूछ सकता है, रोहित शर्मा इसके कप्तान, किसके, इन्होंने किसको हराया फाइनल में दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को हराया, किसको, दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान कौन थे उसके, श्रेयस अय्यर, नोट कर लेना, दिल्ली कैपिटल्स को दोस्तों इन्होंने हराया था। अगर आपसे पूछे पहली बार किसने जीता, ये सवाल कल के पेपर में पूछा गया, पहली बार दोस्तों मैं हर बार बोलता हूं 2008 में पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने जीता, किसने, राजस्थान रॉयल्स ने जीता। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो पूछना नहीं चाहिए था, एकदम लड्डू सवाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईपीएल ध्यान रखना, अब तुमको ध्यान रखना है, सबसे अधिक रन केएल राहुल ने बनाए थे, किस टीम से है, पंजाब से, सबसे अधिक विकेट किसने लिए, ये सारी चीजें तुमको पढ़ के जानी है। देखना धारा 144 पूछा गया था, डीएम लगाता है दोस्तों धारा 144। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसका संबंध है विज्ञान से, किससे दोस्तों, विज्ञान और तकनीक से। बांगड़ खादर, मैंने आपको भाबर भी बताया है, तराई बांगड़ खादर, चारों ध्यान रखना, आ सकता है पेपर में। भाबर जहां नदी विलुप्त हो जाती है भाबर कहते हैं, तराई दलदली भूमि को कहते हैं दोस्तों, बांगड़ पुरानी जलोढ़क मृदा है, खादर नई जलोढ़क मृदा है। प्रणब मुखर्जी, सीधा सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पता नहीं भाई साहब कौन सा प्यार हो गया पेपर वाले को, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, हर शिफ्ट में कम से कम 2-3 सवाल इसके पूछे जा रहे हैं, सुनना मेरी बात को दोस्तों, राष्ट्रपति का पूछा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से भविष्य में वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो राष्ट्रपति जो है मेरे दोस्तों, अपना इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, किसको, नोट करके रखना, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कौन दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुस्लिम जो राष्ट्रपति बने थे, जाकिर हुसैन, जिनकी दोस्तों क्या हो गया, जिनका निधन हो गया, वो थे जाकिर हुसैन। ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, नोट करके रखना आप, क्या नोट करके रखना। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति कौन था, ज्ञानी जेल सिंह, किसके समय, राजीव गांधी के समय। इमरजेंसी लागू करने वाला राष्ट्रपति कौन था, ऐसे सवाल ही आने वाले दोस्तों आपसे पूछेगा, एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों, महिला राष्ट्रपति कौन रही है भारत के, प्रणब मुखर्जी पूछ चुका है, रामनाथ कोविंद पूछ सकता है, कौन से नंबर के हैं, कब से हैं दोस्तों राष्ट्रपति, ये सारी बातें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। अगला क्वेश्चन देखना, उपराष्ट्रपति, इसका सवाल भी बार बार पूछ रहा है दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है, ये सभापति होता है दोस्तों राज्यसभा, किसका, राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहां पर, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति है। आपसे ये बार बार कह रहा हूं, आपसे यही सवाल पूछ रहा है, वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, कौन है दोस्तों, वेंकैया नायडू है, कौन है, वेंकैया नायडू। अच्छे से इनको सर्च करके एक पेज पे नोट कर लो, क्या नोट कर लो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखिए क्या कमाल हुआ है दोस्तों, दो दिन में तीन इंडेक्स आए, तीनों की तीनों अपनी क्लास से आए, क्या तीनों की तीनों अपनी क्लास से। एक आया दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स, और मैंने टोटल चार तो लिखवाए थे, क्या चार लिखवाए थे, तीन आ गए भाई साहब। इनोवेशन इंडेक्स मेरे दोस्तों, इसमें मैंने बताया था आपको 48 रैंक है, स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें, देखिए एक तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें हमारी रैंक कौन सी दोस्तों 63 रैंक है,
उससे पहले वाले में 77 रैंक थी। एक मेरे दोस्तों राज्य वाली आई थी जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ये आ गया कल की शिफ्ट में, ये आ गया परसों की शिफ्ट में, क्या परसों की शिफ्ट में। अब नंबर किसका है, HDI किसका दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नंबर है 129 भारत की रैंक है, ध्यान रखना इसी का नंबर है अगला ये इंडेक्स दोस्तों, सब ध्यान रखोगे। चलिए अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, दो बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ गया, मनोज सिन्हा आ गया दोस्तों और गिरीश चंद्र मुर्मू आ गया, और ये वर्तमान में कौन बन चुके हैं, CAG। ये CAG वाला भी मेरे दोस्तों दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, अनुच्छेद नंबर 148, क्या अनुच्छेद नंबर 148, तो ध्यान रखना है CAG मेरे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है। देखिए 4-5 सवाल ऐसे आए दोस्तों जो मैं आपको मुंह जवानी रटवा चुका हूं, क्या सुनना मेरी बात को, और आगे भी दोस्तों पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे रसगुल्लो CAG के बारे में पूछ रहा है कौन है वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू है, भारत के दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये ध्यान रखना, सुनील अरोड़ा है, कौन है सुनील अरोड़ा। अन्य चुनाव आयुक्त ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राजीव कुमार है, कौन है राजीव कुमार है, और सुशील चंद्रा। देखिए सारे सवाल पूछे गए हैं, कुछ जो नहीं पूछे गए वो भी नोट करवा रहा हूं, इनमें से तो आने ही आने, क्या मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, तैयारी वो करो जो पेपर के हिसाब से हो, मेरे लाडलो मेहनत करोगे निश्चित फल मिलेगा, उसके पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाना है दोस्तों, वो मां अपना क्या देख रही है दोस्तों, रहा देख रही है कब उनका लाडला, कब उनकी लाडली वर्दी पहनकर आने वाले। केवल तुम्हारे लिए आज की क्लास लेकर आया हूं, वरना कह चुका था दोस्तों स्टाफ से कि आज छुट्टी रहेगी, क्या छुट्टी रहेगी, लेकिन भाई साहब तुम्हारे लिए लानी थी, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि मेरी एक दिन की मेरे दोस्तों खराब तबीयत तुम्हारे भविष्य के साथ खेल जाए। हो सकता है कल इसी पेपर में से दोस्तों 5-7 सवाल टपक जाए, तो सोच कर देखिए कितना दुख होता मुझे इस बात का, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। किसके लिए, अरे मेरे रसगुल्ले दोस्तों, परिवार है, क्या ये परिवार है, इस परिवार में तो दोस्तों जी जान लगानी पड़ेगी। सुनना मेरी बात को, अन्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हो गए। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछ सकता है अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल, कौन है KK वेणुगोपाल, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन दोस्तों यशवर्धन, पूछा गया क्वेश्चन है नोट कर लेना यशवर्धन, RTI एक्ट 2005, कौन सा है दोस्तों 2005 का RTI एक्ट, हाइग्रोमीटर ये दोस्तों आर्द्रता मापने का है, ओजोन दिवस आपसे पूछा गया है, दो बार पूछ लिया 16 सितंबर। अब तुम ध्यान रखना दोस्तों, इसके साथ ही 16 सितंबर तो आ चुका है मेरे लाडलो, आपको ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल स्थान कनाडा के अंदर है। फिर देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फो वाली। इसके बाद में ये सरदार सिंह स्वर्ण समिति, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेरे दोस्तों भाग 4A USSR कहां से, रशिया से लिए। अगर आपसे पूछे DPSP कहां से लिए दोस्तों, DPSP ध्यान रखना ये भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है, आयरलैंड से लिए, कहां से मेरे लाडलो आयरलैंड से लिए, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज मेरे दोस्तों ये हमने रशिया से लिए, किससे रशिया से। और आपसे पूछे पहले 10 थी 42वें संविधान संशोधन में, फिर मेरे दोस्तों 11वीं कब आती है 86वें संविधान संशोधन से, शिक्षा संबंधित है, सारे ध्यान रखना। अगला देखो दिल्ली को राजधानी मेरे दोस्तों 1911-1912, अब सुनना इसमें से दो सवाल क्या पूछे गए हैं, जब 1911 को दिल्ली को राजधानी दोस्तों घोषित किया गया था ना, तब ही पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया, क्या राष्ट्रीय गान को गाया गया। अब सुनना राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी ने दोस्तों इसकी रचना की थी। और ध्यान रखना आपको राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में ये पहली बार दोस्तों
गाया गया, क्या पहली बार गाया गया। अब देखना, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार शांति का पूछ चुका है, आगे मेरे दोस्तों मेडिसिन का आ सकता है। किसका? मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, ये आपको कल पढ़ाए थे, इनको दोबारा पढ़ लेना। क्या फिर कह रहा हूं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2020 पढ़ करके जाना। रिया रोज जेल जाती है, फिजिक्स मेरे दोस्तों, कौन सा? फिजिक्स है। अगला शांति, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शांति का है भाई साहब। अगला याद करो मेरे दोस्तों, इसके साथ में आपका मेडिसिन, हाँ आई दोस्तों, राइस, अल्सर, हगटन, हेपेटाइटिस, लीवर खराब, किसका है? मेडिसिन का। लुईस गुलुक साहित्य का दोस्तों, क्या साहित्य का है? लुईस गुलुक। अगला ध्यान रखिए आप इसके साथ में, ये तो 2020 के जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। एक है रसायन शास्त्र का मेरे दोस्तों, कारपेंटियर और डुडना को, क्या कार उड़ना मेरे दोस्तों, रहस्य, ये सारे सवाल आप ध्यान रखना। अर्थशास्त्र का रॉबर्ट ग्राम के भाव नीलाम कर दिया। अगला देखना मेरे दोस्तों, फीफा 2022, ये भाई साहब 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा 2022 याद रखना मेरे दोस्तों, कतर दोहा में होगा। कहां पर होगा? कतर दोहा। देखिए दो बार क्वेश्चन तो ये आया फीफा 2022 कहां पर होगा, एक बार क्वेश्चन आया कतर की राजधानी क्या है, तो क्या है दोस्तों? कतर की राजधानी दोहा है। फिर देखना 73वां संविधान संशोधन मेरे लाडलो, ये पंचायती राज का है, बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से स्टार्ट होती है पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तर की है, 11वां दोस्तों अनुसूची है, अनुच्छेद नंबर 40 है, सब चीजें ध्यान रखना। फिर देखना एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या कुछ फुल फॉर्म है जो पूछी गई है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नीति आयोग भाई साहब कितनी बार पढ़ोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक आया आरटीजीएस, अब देखना आरटीजीएस पेपर में आया दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया है, आरबीआई का है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, क्या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अगला आपसे पूछ सकता है एनईएफटी, क्या दोस्तों? एनईएफटी आपसे पूछ सकता है आईएमपीएस, अरे सर्च करके जाना इनके बारे में दोस्तों, एनईएफटी पूछ सकता है आपसे, आपसे आईएमपीएस पूछ सकता है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सर्विस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पूछ सकता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछ सकता है। देखिए ये तीनों मेरे दोस्तों पूछे जा चुके हैं, क्या तीनों पूछे जा चुके हैं, चार इसके लाइन में, क्या चार इसके लाइन में। अगला देखना विटामिन ए सी और B12, आपको आगे वाले खुद पढ़ने हैं, विटामिन बी पढ़ना है दोस्तों, इसमें बी के अंदर भी तो बेरी बेरी वाला ध्यान रख लेना, B12 कोबाल्ट फिर याद करना, विटामिन ए और सी फिर याद रखने दोस्तों, रंग आपके रेटिनोल और एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन इसके बाद में डी ध्यान रखना है, कैल्सीफेरोल, रिकेट्स रोग दोस्तों, कौन सा? रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेरोल ध्यान रखना, विटामिन के फिलोक्विनोन आपके ध्यान रखना है लाड लो। फिर देखना अगला क्वेश्चन है फीफा 2022 असम का नृत्य बिहू डांस, कौन सा? बिहू डांस ध्यान रखना, असम के बारे में सवाल पता नहीं मेरे दोस्तों, इतना क्या प्यार हो गया असम से, असम का बिहू डांस सत्रीय नृत्य मेरे दोस्तों, काजीरंगा मानस, ये सब आपको ध्यान रखने, डिब्रू साइखोवा असम के अंदर, डिगबोई मेरे दोस्तों, डिगबोई जहां पर कच्चा तेल मिला था ना पहली बार, डिगबोई वो भी आपको ध्यान रखना है। WTO जिनेवा के अंदर मुख्यालय, देखिए IMF ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक पढ़ लेना अच्छे से, UNO पढ़ लेना, WHO पढ़ लेना और मेरे दोस्तों WTO पढ़ लेना, सभी की सभी रिपीट हो रहे हैं, क्या रिपीट हो रहे हैं। IMF की हेड कौन है? पूछ लिया, इसकी मुद्रा पूछ सकता है SDR के बारे में, क्या मुख्यालय पूछ सकता है वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक डेविड मालपेस वाशिंगटन DC, UNO एंटोनिया गुटारेस पूछ लिया, क्या एंटोनिया गुटारेस दोस्तों पूछ लिया है। अब आपसे पूछ सकता है स्थापना इसके 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय, 193 देश है। IMF का नवीनतम देश भी ध्यान रखना एंडोरा मेरे दोस्तों, कौन सा? एंडोरा 190। WHO के बारे में पूछ लिया है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड है, हर्षवर्धन ध्यान रखना 7 अप्रैल 1948 जिनेवा के अंदर मुख्यालय, WTO मेरे दोस्तों जिनेवा के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। अगला देखना कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पूछ सकता है आत्मघाती थैली कौन है? लाइसोसोम दोस्तों, कौन? लाइसोसोम। परिवहन करने वाला अंग कौन है? गोल्जी बॉडी। कौन है दोस्तों? गोल्जी बॉडी। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है?
है वो है दोस्तों आपके राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की। किसने? ल्यूवेन हुक। गलगंड घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब देखना, आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों गलगंड घेंगा रोग। सोडियम जो है Na, अब देखना कितना आसान सवाल था Na। अरे बताओ मेरे दोस्तों Na किस में होता है? अरे तुम एक ही तो फॉर्मूला जानते हो, नमक। किसका? NaCl, नमक का। तो मेरे दोस्तों नमक कम खाने से क्या होगा? बीपी लो होगा। नमक अधिक खाने से बीपी हाई होगा। क्या? तो सोडियम का संबंध किससे होगा? ब्लड प्रेशर से होगा। किससे? ब्लड प्रेशर से होगा। फिर देखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाते हैं, ध्यान रखना। 15वां वित्त आयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो देखिए ये पूछा है एनके सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से नंबर का है, फिर आपसे पूछ सकता है 14वें के कौन थे? वाईवी रेड्डी। फिर पूछ सकता है पहले के कौन थे? केसी नियोगी। अनुच्छेद नंबर 280, हैदराबाद, मूसी नदी और दोस्तों चार मीनार, ऑपरेशन पोलो, तीनों ध्यान रखने। फिर देखना संसद के बारे में अनुच्छेद नंबर 79। देखिए कल पूछा, परसों पूछा संसद के बारे में, कल पूछा है विधानसभा के बारे में। उसकी आप रणनीति देखो दोस्तों, कल वो पूछ रहा है विधानसभा, सबसे अधिक विधानसभा की सीट। अरे रसगुल्लो, सच सच बताना, मैंने आपसे कहा था कुछ भी पूछ ले, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सबसे अधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश 80 सीट। कितनी दोस्तों? 80 सीट। सबसे अधिक राज्यसभा की सीट क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश मेरे दोस्तों 31। फिर पूछा सबसे अधिक विधानसभा की सीट 400 प्लस, मैंने था विधानसभा। सबसे अधिक विधान परिषद मेरे दोस्तों वो भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे अधिक जनसंख्या ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। योनो ऐप, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या भाई साहब, योनो ऐप आज भी पूछा गया। क्या मेरे दोस्तों? कल भी पूछा गया आपके योनो ऐप। नए चुनाव आयुक्त, ये भी मेरे लाडलो पूछ लिया आपके, जिसका नाम क्या है? सुनील अरोड़ा। ध्यान रखोगे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, और नए चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार सुशील चंद्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, आप क्या ध्यान रखोगे? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, और साथ में HL दत्तू इसके अध्यक्ष हैं। फिर देखना कपास के लिए मिट्टी कौन सी है? काली रेगूर मृदा। कौन सी? काली या फिर रेगूर मृदा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोस्तों पढ़ा चुका हूं आपको, दो तीन योजना है जो बार बार आ रही है। क्या? 1 जून 2020, 20 जून 2020, दोनों आ चुकी है। फिर देखना पंचवर्षीय योजना, इसमें से सवाल बन रहा है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल 1951 से 56 के बीच में। दूसरी दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये महालनोबिस मॉडल पर है। 11वीं क्या कब से कब तक है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना 7 से 12, और 12वीं कब तक है? 2012 से 2017 के बीच में। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, किससे? टीकाकरण से संबंधित है। ये देखिए कल के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्तों, कल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसके आधार पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए मेरे लाडलो, हो सकता है इस क्लास को 1 घंटा लग जाए, लेकिन आप समझ के देखिए, मैं आपको कम से कम 250 सवाल है जो आपको बताने वाला हूं। क्या इन 250 में से मेरे दोस्तों 5-7 सवाल टपक गए मान लीजिए पेपर में, तो कितना बड़ा फायदा हमारा होने वाला है, इसको समझिए मेरे दोस्तों। वरना गला खराब होने के बाद भी संडे को क्लास लेना जरूरी नहीं था क्या? कह देता कि संडे को नहीं होगी, मंडे को लूंगा क्लास मेरे दोस्तों, संडे को रिवीजन नहीं होगा। लेकिन क्या ये न्याय होता? नहीं होता दोस्तों। तुमने विश्वास किया है फूल पत्ती के ऊपर, लगभग 2.5 से 3 लाख व्यक्ति एक दिन में क्लास को देख रहे हैं, तो दोस्तों उनके साथ धोखा करके मुझे जाना नहीं है कि ऊपर मेरे लाडलो, ऊपर वाला सुदर्शन चक्र फेंक के मारेगा। क्या? सीधा मारेगा गाल पे। देखना कामाख्या मंदिर मेरे दोस्तों, कहा था ना आपसे असम का प्यार है मेरे दोस्तों पेपर बनाने वाले को, कितनी बार पढ़ाया है कामाख्या मंदिर। कल परसों फोटो भी दिखाई थी, कामाख्या मंदिर असम के अंदर है। पहली IPL विजेता मेरे दोस्तों 2008। अब तुम क्या याद करोगे? पद्म नाम स्वामी मंदिर केरल के अंदर है, मीनाक्षी मंदिर मेरे दोस्तों मदुरई के अंदर है, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के अंदर है। कहां पर? ओडिशा के अंदर है। तीनों ध्यान रखोगे। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में दोस्तों। पहली IPL विजेता 2008। IPL में 2-4 बातें
आते पढ़ के जाना। पहली बात तो मुंबई इंडियंस ने पांचों खिताब कब कब जीते हैं दोस्तों, कप्तान कौन था, दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन था, केएल राहुल के बारे में दोस्तों ये ध्यान रखना, पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना रसगुल्लो। सुरेश रैना के बारे में पढ़ के जाना, पहली आईपीएल टीम जो राजस्थान रॉयल्स जीती थी उसके कप्तान कौन थे, कितने हुए हैं अब तक आईपीएल मेरे दोस्तों, कहां पर हुआ है अब की बार, टाइटल स्पॉन्सर कौन था इसका, ये सभी बातें पढ़ लेना। डांडी मार्च क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, 1930 मेरे दोस्तों साबरमती आश्रम से कहां तक डांडी तक की यात्रा थी, नमक कर तोड़ा गया दोस्तों, और इसी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये दोस्तों एक बार क्वेश्चन आता है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, एक बार आता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा, याद करो बचपन में बीए किया, क्या बचपन में बीए किया, कितनी बार पढ़ा है रसगुल्लो, बचपन में बीए किया, तो बचपन में बी से बना बांग्लादेश, चै से बना दोस्तों चाइना, पी से बना पाकिस्तान, ने से बना दोस्तों क्या आपका नेपाल, कौन बना नेपाल, तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा मेरे दोस्तों अफगानिस्तान, कौन है अफगानिस्तान, नोट करके रखना, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा दोस्तों अफगानिस्तान, यह भी पूछ सकता है आपसे कितने देश सीमा बनाते हैं क्या, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, कौन भूटान और अफगानिस्तान, ये सीमा बनाते हैं, नाम ध्यान रखना, डुरंड रेखा अफगानिस्तान दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा मेरे दोस्तों ये आपके चाइना के साथ, किसके साथ में, चाइना के साथ में। अगला क्वेश्चन देखना, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए प्लेइंग इट माई वे, ध्यान कीजिए ये पुस्तक मैंने पढ़ाई थी ना, प्लेइंग इट माई वे, किसकी बुक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी, क्या है ऑटोबायोग्राफी, अब क्या याद रखोगे, अब दो चार नाम लिखवा रहा हूं नोट कर लो, देखो शशि थरूर पूछ लिया मेरे दोस्तों, एन इरा ऑफ डार्कनेस, रस्किन बॉन्ड, एक ध्यान करो रस्किन बॉन्ड आ सकता है पेपर में दोस्तों, एक लिखना अरुंधति रॉय, कौन है अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड की जैसे कि दोस्तों रस्किन जो रस्किन बॉन्ड है आपके, आप जानते हो इस सॉन्ग मेरे दोस्तों, सॉन्ग वाली जो आपके बुक थी वो इन्हीं की थी, अरुंधति रॉय मेरे दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और मेरे साथ में इसके साथ में दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पूछ सकता है आपसे किसके बारे में, अरुंधति के बारे में, रस्किन बॉन्ड के बाद में, इसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना सौरभ गांगुली, किस कौन सी बुक है, सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, शशि थरूर तो ध्यान ही रखना है, एन इरा ऑफ डार्कनेस, व्हाइट टाइगर मेरे दोस्तों किसकी बुक है, अरविंद अडिगा, महात्मा गांधी की बुक ध्यान रखनी है आपको, इसके साथ में दोस्तों आपको एपीजे अब्दुल कलाम की बुक ध्यान रखनी है, किसके, एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, महात्मा गांधी मेरे दोस्तों आप जानते हो, ये सारी बुक आपको ध्यान रखनी है। फिर देखना कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मैंने आपको पढ़ाया है रसगुल्लो, आईपीएल 2024 सॉरी मेरे दोस्तों जो ओलंपिक है 2024 में कहां होगा, ये होगा पेरिस के अंदर, ये कितनी बार पढ़ाया ध्यान कीजिए, कॉमनवेल्थ मेरे दोस्तों बर्मिंगम के अंदर, कहां पर बर्मिंगम के अंदर होने वाला, 2018 वाला कहां हुआ था, ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सर्वाधिक विधानसभा वाली सीट ये तो मेरे दोस्तों जय माता दी उत्तर प्रदेश, कौन है उत्तर प्रदेश, तुम क्या ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों, अब पूछेगा तुमसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है, विधान परिषद की सीट कितनी है, एक एक दिल्ली ध्यान रखना, लोकसभा की सीट 70 दोस्तों आपसे पूछ ले अगर कि विधानसभा की सीट कितनी है, 70 सीट है, लोकसभा की सीट मेरे दोस्तों 7 है, ऐसे आपको दिल्ली के बारे में भी याद कर लेना, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, दिल्ली में सबसे अधिक महिला मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों आपके कौन रही, शीला दीक्षित, दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे, वर्तमान में कौन है, वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, कितनी बार रह चुके हैं, ये सारी बातें 5-6 बातें नोट कर लेना, फिर कह रहा हूं आपसे देखना, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये सवाल भी पूछ लिया है दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में, वर्तमान में कौन है वेंकैया नायडू, फिर देखना जलियांवाला बाग मैंने फिर कहा आपसे, ये बार बार पूछ रहा है मेरे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 कौन सा दिन था, बैसाखी का दिन था, कौन सा दोस्तों बैसाखी का दिन था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहां पर जलियांवाला बाग में मेरे दोस्तों अमृतसर क्या है, अमृतसर के बारे में पूछ रहा है, फिर देखना
अब क्या पूछ सकता है आपसे, सिखों के जो गुरु है ना दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? पहले गुरु गुरु नानक उदासिया, ध्यान रखना। नाइन्थ गुरु मेरे दोस्तों हिंद की चादर तेग बहादुर, इसके साथ में दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ मेरे दोस्तों। सारी बातें आप ध्यान रखना। 2024 का ओलंपिक गला खराब है पर मेरे लाडलो तुम्हारे लिए मेहनत करने का मजा ही कुछ और है, क्या अलग ही मजा है मेरे दोस्तों। ये बता नहीं पाऊंगा पर एक बात ध्यान रखना, जब क्लास खत्म होना मेरे रसगुल्लों, तो आपको एक ही बात कहनी है कि सर मजा आ गया। क्या सर मजा आ गया? ये भी एक तरीका हो सकता है दोस्तों पोस्टमार्टम करने का। क्या? बिल्कुल मेरे लाडलो, पेपर का पोस्टमार्टम करके भविष्य की रणनीति तैयार करना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है पक्ष है। फिर देखना रबी की फसल दोस्तों बार बार पूछ रहा है, बता चुका हूं आपको, खरीफ की फसल रबी की फसल याद कर लो, बाकी बची हुई खरीफ की है। जायद की मेरे दोस्तों जिनमें पानी मिलता है, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, ककड़ी है दोस्तों, ये किसकी है? जायद की फसल है, याद हो जाएंगी आपको। फिर देखना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय याद करो मेरे दोस्तों, ये आपको पढ़ाया था क्या? मदन मोहन मालवीय पढ़ाया था मेरे दोस्तों, याद है मुझे, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सरोजनी नायडू एनी विसेंट, कुछ नाम लिखवा रहा हूं नोट करना, सरोजनी नायडू मेरे दोस्तों दादा भाई नौरोजी एनी विसेंट, कौन? एनी विसेंट गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले मेरे दोस्तों, ये सब आप ध्यान रखना। ज्योतिबा फुले, कौन? ज्योतिबा फुले। क्या क्या बात ध्यान रखोगे? पहला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू दोस्तों भारत के कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश से पहली राज्यपाल भी कौन थी? सरोजनी नायडू। दादाभाई नौरोजी पहली बार राष्ट्रीय आय के बारे में बताया दोस्तों, और आपको पता है ब्रिटिश रूल इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। एनी विसेंट मेरे लाडलों ध्यान रखना, आपके होम रूल लीग मूवमेंट एनी विसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी विसेंट दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, और ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज दोस्तों ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र। स्वराज पार्टी दो तीन बार क्वेश्चन लगातार दोस्तों दो तीन शिफ्टों से आ रहा है, क्या? दो तीन शिफ्टों से लगातार दो तीन बार एक क्वेश्चन आ रहा है स्वराज पार्टी। दो बातें मैंने आपको बताई हैं, वही ध्यान रख लेना, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने दोस्तों इस पार्टी को बनाया था। रैंड की हत्या, अब सुनना इस सवाल को, ये आपको दोस्तों कहां पढ़ाया गया है? रैंड की हत्या याद करो, चापेकर बंधु दोस्तों, किसने हत्या की थी? रैंड की हत्या की थी चापेकर बंधु ने, यह प्लेग कमिश्नर था। क्या दोस्तों? प्लेग कमिश्नर था चापेकर जो बंधु है, इन्होंने इसकी हत्या की किसके कहने पर? याद करो मेरे लाडलो, बाल गंगाधर तिलक के कहने पर। क्या? इन्होंने ऐसा कहा कि हम प्रेरित किससे हुए थे? बाल गंगाधर तिलक। दो व्यक्ति और ध्यान रख लेना, बीडी सावरकर। क्या दोस्तों? बीडी सावरकर, इनको फांसी हुई थी है ना इसी हत्या के लिए। बीडी सावरकर मेरे दोस्तों, एक तो 1857 की क्रांति और सेलुलर जेल में काला पानी की सजा। और दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है बाल गंगाधर तिलक, और इनके बारे में गीता रहस्य पूछ सकता है आपसे, एक मेरे दोस्तों केसरी जो इनके पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन देखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, सच सच बताना मेरे दोस्तों, ये सवाल तुमको पढ़ाए हैं? पढ़ाए दोस्तों, ऐसा लगता है कि हाँ, कितनी बार तुमको पढ़ाए, कितनी बार कहा था टेनिस के चार टूर्नामेंट में से कोई ना कोई सवाल टपकेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टपक गया। याद करो दोस्तों, नोवाक जोकोविक सर्बिया के थे, नोवाक जोकोविक जिन्होंने जीता, और सोफिया कैनिन मेरे दोस्तों अमेरिका की थी, दोनों आपको ध्यान रखने, पेपर में पूछ लिया गया है। इसके अलावा फिर क्या पूछेगा मेरे दोस्तों आपसे? फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, कौन? राफेल नडाल। और अमेरिकन ओपन मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के, और दोस्तों आपके नाओमी ओसाका आपकी जापान की, तीनों ध्यान रखोगे, विंबलडन हुआ नहीं अब की बार। अगला देखना, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, कितनी बार मेरे दोस्तों पढ़ाया, देखिए जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन है ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये तो है सिक्किम, कौन है? सिक्किम। और अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में है गोवा, कौन है? गोवा क्षेत्रफल के अंदर है। अब आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कितनी बार पढ़ाया दोस्तों? 1930 डांडी मार्च से यही स्टार्ट
हुआ था 1930 के अंदर है। हिमालय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? एक बार क्वेश्चन आया दोस्तों हिमालय के बारे में, तो मैं छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ट्रांस हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय? इसमें कौन कौन शामिल है? अरे कलेजा शामिल है, क्या कराकोरम लद्दाख जास्कर इसमें शामिल है, माउंट केटू गोंडविन ऑस्टिन 8611 मीटर कराकोरम के अंदर है, ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा दोस्तों आपके विरध हिमालय, फिर इसके बाद में मेरे लाडलो आपके कौन सा है, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये हिमालय के भाग है दोस्तों। आपको जो ध्यान रखना है ना आपको, वो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, पीर पंजाल दोस्तों, पीर पंजाल धोलांधर नागटीबा महाभारत, महाभारत कहां पर है? नेपाल के अंदर है, थोड़ा ध्यान रख लेना, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार। अब देखिए विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में मेरे दोस्तों 500 अरब डॉलर को पार कर चुका है। क्या 500 अरब डॉलर को पार कर चुका है? आपसे पूछ सकता है इसका नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नियंत्रण करती है, 500 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है ये, जीएसटी भी भाई साहब फेवरेट क्वेश्चन है, क्या प्यार हो गया बंदे को, लगता है दोस्तों पेपर बनाने वाले ने जीएसटी बहुत बारा है, क्या इतने सवाल पूछ रहा है जीएसटी पे। पहला सवाल मेरे दोस्तों, लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां। कौन सा पहला राज्य है? असम दोस्तों इसका पहला राज्य है। समिति पूछ ले आपसे, विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। ये कौन सा कर है? समवर्ती सूची पर कर है। किस पर? समवर्ती सूची पर। अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये सारी बातें ध्यान रखना, 2-3 सवाल पूछ लिए। विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति, अब दोस्तों देखिए कौन है, वो मुकेश चच्चा है। कितनी बार पढ़ाया है, मुकेश चच्चा। सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दोस्तों? वो ध्यान रखना आपको, जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति है, अमेजोन वाला। सबसे अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों, ये एक्टर की श्रेणी में पूछ ले, किसमें? एक्टर में। तो ध्यान रखना एक्टर में दोस्तों ड्वेन जॉनसन द रॉक सबसे ऊपर है, और छठे नंबर पर कौन है उसमें भी दोस्तों अक्षय कुमार है। कौन है? अक्षय कुमार। और सेलिब्रिटी में पूछ ले आपसे तो वो है रोजर फेडरर। कौन दोस्तों? रोजर फेडरर है, जो सबसे अमीर क्या है? खिलाड़ी है। देखिए सवाल को ढंग से पढ़ लेना क्या तुमसे पूछा जा रहा है। फिर देखना सोवा नायडू, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सोवा नायडू वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे लाडलों आपके राजस्थान पुलिस में भी आया। किसमें आया? राजस्थान पुलिस में भी आया दोस्तों, कुचिपुड़ी के अंदर। किसके अंदर? कुचिपुड़ी के अंदर। दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया। क्या दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछा गया था सोवा नायडू? कुचिपुड़ी की मेरे दोस्तों एक तो आपको यामिनी कृष्ण मूर्ति ध्यान रखनी है। क्या यामिनी कृष्ण मूर्ति? कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। कथक कहां का है दोस्तों? कथक जो ध्यान रखना है आपको, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ जयपुर के आसपास का है, उत्तर भारत का दोस्तों। सत्रिया आपके कहां का है? ये आपके असम का है। अगर आपसे पूछे यक्षगान कर्नाटक का है दोस्तों, केरल का कौन सा है? केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, और साथ में आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? वो आपके कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। फिर देखना अगला क्वेश्चन, कतर की राजधानी। देखिए कतर एक बार तो पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? एक बार तो पूछ लिया आपके, वो फीफा वर्ल्ड कप वाला 2022 वाला। अब पूछ रहा है इसकी राजधानी कतर की, वो है मेरे दोस्तों दोहा। कौन सी है? दोहा। चलिए कुछ आपको राजदेश बता रहा हूं, उनकी राजधानी तुम याद कर लेना, क्या पक्का याद कर लेना। एक तो मेरे दोस्तों कनाडा, किसकी राजधानी ध्यान रखोगे? कनाडा। एक मेरे लाडलो लेबनान, किसकी? लेबनान भी आप ध्यान रख लेना, पूछ सकता है पेपर के अंदर लेबनान की राजधानी, किसकी? लेबनान की। अगला ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों नाइजीरिया, किसकी ध्यान रखोगे? नाइजीरिया की ध्यान रखना। फोर्थ नंबर ध्यान रखना तुर्की मेरे दोस्तों, किसकी? तुर्की की ध्यान रखना। पांचवा नंबर लिख लीजिए मेरे लाडलो, इनके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कनाडा लेबनान नाइजीरिया तुर्की मंगोलिया पूछ लिया। क्या मंगोलिया पूछ लिया है? इसके साथ में दोस्तों आपको वियतनाम, किसके?
वियतनाम की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, थाईलैंड भी ध्यान रखना, इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, श्रीलंका की नई राजधानी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जो आपके श्री जयवर्धनपुर है श्रीलंका की राजधानी, ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले क्या, इसके अलावा क्यूबा की राजधानी, किसकी, क्यूबा की राजधानी ध्यान रखना मेरे दोस्तों। इसके साथ में ही आपको ध्यान रखना है वियतनाम, ये आपके वेनेजुएला, किसके बारे में, वेनेजुएला और साथ में चिली के बारे में भी आपको ध्यान रखना। सारी राजधानी आप पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना और समझ लेना। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट कहां पर है बता चुका हूं, किसी की भी पूछ ले, उत्तर प्रदेश में, कहां, उत्तर प्रदेश में। सीआरपीएफ का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, कहां दोस्तों, दिल्ली। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो दिल्ली पे ही लगा के आना, काम दिल्ली पर ही लगा के आना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। खान अब्दुल गफ्फार खान, मैंने आपको बताया है, सीमांत गांधी कहते हैं दोस्तों, और पहला विदेश, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और किस किस को मिला है, एक तो मेरे दोस्तों आपके नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनको भी, वो भी विदेशी थे, उनको भी भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न से एक सवाल हर शिफ्ट में 100% पूछा जा रहा है, क्या 100% पूछा गया है दोस्तों, भारत रत्न से एक सवाल। चाहे तो आपसे पूछ लिया पहली महिला कौन सी थी मेरे दोस्तों, सिंगर के रूप में पूछ लिया, लता मंगेशकर के रूप में, सुब्बा लक्ष्मी के रूप में पूछ लिया, क्या सुब्बा लक्ष्मी के रूप में पूछ लिया मेरे दोस्तों, या फिर आपसे पहला भारत रत्न पुरस्कार पूछ सकता है 1954 वाला, या आपसे प्रणब मुखर्जी वाला पूछ लिया 2019 के अंदर दोस्तों, सारे सवाल पूछ सकता है। और दोनों दोस्तों विदेशी ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर देखना आंगा खां कब मेरे दोस्तों, ये हॉकी का है, याद करो। रणजी कप भी पूछ लिया, क्या रणजी कप किसका है दोस्तों, क्रिकेट का है। आंगा का कप दोस्तों ये हॉकी का है, कहां का, हॉकी का कप है। संतोष ट्रॉफी ध्यान रखना फुटबॉल की है, पूछ सकता है संतोष ट्रॉफी मेरे दोस्तों, ये फुटबॉल की है, ध्यान रख लेना। फिर देखना ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिक्स क्वेश्चन है, एक सवाल मेरे दोस्तों ज्ञानपीठ का, कब स्टार्ट होता है 1961 में, पहली बार 1965 में, के दोस्तों आपके कुरूप जो है जीएस कुरूप मलयालम भाषा के लिए मिलता है, अब की बार 55वां अक्कीतम अम्बुदरी को, इनको भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात याद करो, सरावती नदी मेरे दोस्तों, कौन सी नदी है, सरावती नदी है जिसपे जोग जलप्रपात है, बताया था ना कर्नाटक के अंदर है, कहां है दोस्तों, जोग गरसप्पा इसी को कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं आपको ना। सांची का स्तूप कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में पढ़ाया था, सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनाया, किसने दोस्तों, अशोक ने बनाया था। नीति आयोग, अरे रसगुल्लो पहला क्वेश्चन, ये नीति आयोग तो कितनी बार बताएं दोस्तों, छोड़िए इसको है ना, छोड़िए, ये 2015 में स्थापना होती है, योजना आयोग के स्थान पर आता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, आपके राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, और क्या बताएं, बताओ रसगुल्लो कहां, क्या बताएं आपको, आरटीजीएस की फुल फॉर्म या बताई ना आपको, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पुर्तगाल मेरे दोस्तों बॉम्बे, अरे याद करो, ये मैंने आपको जब पुर्तगाल दिवस बनाया गया था मेरे दोस्तों, पुर्तगाल का जब इंडिपेंडेंस दिवस था तब मैंने आपको कहा था कि पुर्तगाल से बॉम्बे मेरे दोस्तों कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, और मेरे दोस्तों इसकी शादी होती है किससे, इसकी शादी होती है विलियमसन, विलियम से, और मेरे दोस्तों पुर्तगाल दहेज में किसको मिला, दहेज में मिला मेरे लाडलो किसको, ईस्ट आपके ये जो आपके अंग्रेज था इसको मिला, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो बॉम्बे के बारे में ध्यान रखना, एक ध्यान रखना मेरे दोस्तों क्या, एक तो आपको ध्यान रखना है कि पुदुचेरी ये किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन था, किसके, फ्रांस के, और गोवा मेरे दोस्तों ये पुर्तगालियों के अधीन था, क्या पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले विदेशी कौन से आए थे, पुर्तगाली आए थे, इतना ध्यान रख लेना। सबसे अंत में कौन गए, पुर्तगाली गए थे। गोवा किसके अधीन
अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। विंडो दोस्तों आपके पूछ ले आपके पुदुचेरी, ये फ्रांस के अधीन था। किसके? फ्रांस के अधीन था। और याद करो पुदुचेरी के बारे में मेरे लाडलों आपको पढ़ाया था, पुदुचेरी के बारे में दो चार बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, और वो था मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यनम कराईकल माहे और पुदुचेरी, चार स्थान थे जो आपको ध्यान रखने। एक दोस्तों आपके अरविंदो आश्रम, वो भी कहां है? पुदुचेरी में। किरण वेदी मेरे दोस्तों क्या है? यहाँ की उपराज्यपाल है। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, आमेर का किला कहां पर है? जयपुर के अंदर है आमेर का किला। मुख्य चुनाव आयोग, देखिए ये वही सवाल है जो घूम रहे हैं दोस्तों, क्या जो ऐसे गोल गोल घूम रहे पेपर के अंदर, तभी तो फूल पत्ती वाला कह रहा है कि बिल्कुल रसगुल्ले टाइप सवाल आए। अरे रसगुल्ला नहीं आया मेरे दोस्तों, हमने उसको बना दिया घुमा घुमा के। देखना मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, कौन है? सुनील अरोड़ा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दोस्तों दिल्ली के अंदर है, कहां पर है? दिल्ली के अंदर। 5 सितंबर कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। आगे किसका ध्यान रखोगे? मुंबई का, दिल्ली कैपिटल्स का और केएल राहुल के बारे में पढ़ लेना। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव दोस्तों, अरे काई पोचे, क्या काई पोचे? गुजरात के अंदर दोस्तों, याद करो गुजरात में पढ़ाया था, गुजरात में अहमदाबाद। अब देखिए ये अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, एक तो ध्यान रखना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? एक मोटेरा स्टेडियम पे क्वेश्चन बन सकता है, मोटेरा स्टेडियम नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। एक मेरे दोस्तों आपसे नर्मदा नदी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, किसके ऊपर? नर्मदा नदी। एक काकरा पार परमाणु संयंत्र जो दोस्तों कहां पर है, कुछ लिखवा देता हूं। देखिए काकरा पार मेरे लाडलो ये गुजरात के अंदर है, कहां? गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कौन सा, कुडनकुलम मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना तमिलनाडु के अंदर है, कुडनकुलम कहां है? तमिलनाडु के अंदर है। पूछ सकता है दोस्तों सीधा सवाल आपसे, काकरा पार गुजरात। तारापुर मेरे दोस्तों ये महाराष्ट्र के अंदर है, कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है। रावत भाटा मेरे दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर है, रावत भाटा। ये सभी सवाल आप थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर देखना संविधान, संविधान बनाने में समय कितना लगा मेरे दोस्तों? ये समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान के बारे में आपको बहुत बार पढ़ाया है, पहली बैठक अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, बीएन राव सलाहकार हैं 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। सारे ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक तो वर्ल्ड बैंक की है, इसमें भारत 63 स्थान पर है, न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, जबकि दोस्तों राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। फिर देखना वंदे भारत, अरे ये सारे सवाल आए तो भाई साहब क्या करूं, अभी तो 2 शिफ्ट के पेपर हाथ लगे दोस्तों, तीसरा वाला आपको सोमवार को दिखाऊंगा। आप खुद कहोगे सर सच में इतने सवाल मेरे दोस्तों, बिल्कुल भाई साहब जो मेहनत की है ना तुम्हारी, वो मेहनत मेरे दोस्तों तुमको दिल्ली पुलिस में साफ साफ देखने को मिली है, क्या बढ़िया देखने को मिली है। अरे भाई साहब अब पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक ठोको मेरे दोस्तों, सोच कर देखो संडे के दिन भी भाई साहब जम के मेहनत हो रही है, क्या जम के मेहनत हो रही है। सैटरडे की रात हो, संडे का दिन हो, मंडे हो, कुछ भी हो भाई साहब यहां तो धुआं धुआं होगा, क्या धुआं धुआं। देखना वंदे मातरम गीत मेरे दोस्तों, इसको समझना, ये पहली बार 1896 मैंने पढ़ाया था दोस्तों, अभी कुछ देर पहले 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया। राष्ट्रीय गान 1911 जब दिल्ली राजधानी बनाई जा रही थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अरे याद करो बीए में डंडा पड़े, क्या भाई साहब बीए में डंडा पड़े। बी से बना बिहार, सबसे अधिक कहां है? बिहार के अंदर 1100 से अधिक है मेरे दोस्तों। ए से बना अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछ ले आपसे केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे अधिक है, दिल्ली आएगा, क्या आएगा? दिल्ली आएगा। NPCI देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शायद मेरे दोस्तों 2-4-5 दिन पहले की क्लास में मिल जाएगा आपको UPI के बारे में। किसके बारे में? उमंग ऐप दोस्तों, उमंग पढ़ाई थी मैंने आपको, UPI पढ़ाया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये रुपए कार्ड मेरे दोस्तों ये भी पढ़ाया हुआ है कि हमारा खुद का वीजा मास्टर कार्ड कौन सा है? रुपए कार्ड है। तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें इसके द्वारा UPI आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और दोस्तों रुपए कार्ड
चलाया गया। इसके अलावा देखना आपसे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन फॉर ब्लू स्काई, ये दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल इसी दिन पढ़ाया था जिस दिन यह बनाया गया। क्या आप क्लास देखना जाकर के दोस्तों, आपको 7-8 सितंबर की क्लास में यह सीधा सवाल छपा हुआ मिलेगा आपको, इसी प्रकार का इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन फॉर ब्लू स्काई। ये करंट का क्वेश्चन है, ये दिवस का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये डे का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है। किसका? करंट का क्वेश्चन है। फिर देखना अटल भूजल योजना, याद करो मेरे दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर सुशासन दिवस है। एक तो रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग हो गया, एक मेरे दोस्तों अटल भूजल योजना स्टार्ट होती है। जल जीवन मिशन भी ध्यान रख लेना, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना, 2024 तक हर घर में जल होगा। बाढ़ के हेड कौन है? गोविंद चिंतालू भाई साहब। कौन है? गोविंद चिंतालू नाबार्ड के हेड है। कितनी बार पढ़ा है? एसबीआई के दिनेश खारा। कौन? दिनेश खारा एसबीआई के हेड है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना 1982 में होती है, शिव रमन समिति। कौन सी दोस्तों? शिव रमन समिति। सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है। 1988 में दोस्तों स्थापना होती है, अधिनियम आता है 1992 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करेगी? शेयर मार्केट को कंट्रोल करेगी। फिर सुनना दोस्तों, योनो ऐप बताया था आपको, टपक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है योनो ऐप। मनी ऐप ध्यान रखना, मनी ऐप मेरे दोस्तों किसका ऐप है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो देख नहीं सकते नोटों की पहचान के लिए मनी ऐप लॉन्च किया। कौन सा? मनी ऐप। फिर देखना सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट इंडिया सोसाइटी। मानिका बत्रा टेबल टेनिस, चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं टेबल टेनिस मानिका बत्रा। ई कचरा उत्पादन मेरे दोस्तों 2-3 दिन पहले वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने, वो 2020 की क्लास ली थी ना, वो मेरे दोस्तों शाम को 6 बजे क्लास ली थी। ई कचरा उत्पादन याद करना, उसमें पढ़ाया था पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर इंडिया है। कौन है? इंडिया है दोस्तों। फिर देखना 2020 का बुकर पुरस्कार, आपको मैन बुकर भी ध्यान रखना है। क्या दोस्तों? आपको जो बुकर इंटरनेशनल है ये भी भाई साहब अच्छे से पढ़ लेना, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। दिल्ली पुलिस की किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना आएगा। 2019 का भी ध्यान रखना, एटवुड और दोस्तों एवरिस्टो दो महिला को मिला था ये बुकर पुरस्कार। दोस्तों कौन सा? जो बुकर पुरस्कार है वो किसको मिला था? एटवुड और एवरिस्टो, वो ध्यान रखना। मैन बुकर पुरस्कार 2020 वाला किसको मिला है? ये मिला है मेरे दोस्तों आपके मारिके लुकास को। किसको मिला है? मारिके लुकास, नीदरलैंड वाली जो दोस्तों शेरनी है। ये भी ध्यान रखना 2020 जो बुकर पुरस्कार है ये अभी कुछ दिनों पहले डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था सैगी बैन के लिए। किसके लिए? सैगी बैन के लिए डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखोगे, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मारिके लुकास को, बुकर पुरस्कार दोस्तों डगलस स्टुअर्ट को सैगी बैन के लिए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यह है यशवर्धन। किसके स्थान पर आए? बिमल जुल्का के स्थान पर आए। अब देखना यहीं पर आपको ध्यान रखना है आरटीआई एक्ट दोस्तों 2005 का, कब का है? 2005 का। फिर देखना डिजिटल सेवा सेतु योजना, देख लेना शाम को 6 बजे वाली क्लास का सीधा सवाल है डिजिटल सेवा सेतु योजना। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया भी था आपको गुजरात में, कहां पर? गुजरात के अंदर है। और यह भी बताया था पंचायतों को दोस्तों डिजिटल किया जाएगा। क्या? पंचायतों को डिजिटल किया जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों आपके स्कर्वी रोग, नाभिक आपके मसूड़ों में सूजन, और आपके ध्यान रखना है आपको मेरे लाडलो इसके अंदर ये खट्टे पदार्थों में मिलता है, मिर्च में भी मिलता है, आंवला मिर्च के अंदर मिलता है। संविधान संशोधन कितने हो गए? 104। कितने हो गए दोस्तों? 104 हो गए, पढ़ा चुका हूं। वन रिपोर्ट याद करो, देहरादून से आती है, हर 2 वर्ष में आती है वन रिपोर्ट। सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। 33% पे वन होने चाहिए। भारत में दोस्तों लगभग 8,07,000 किलोमीटर स्क्वायर पर है 24.56%। कितना? 24.56%। सबसे अधिक वनों में वृद्धि कहां हुई है? कर्नाटक के अंदर हुई है दोस्तों। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ आनंद को मिला है शतरंज के लिए। जीआई टैग, ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है ही। पहला दोस्तों दार्जिलिंग को 1999 का अधिनियम है।
इसके साथ में दोस्तों गला कह रहा है अब तो रुक जा, क्या रुक जा, पर दोस्तों कैसे रुक जाए, कौन सा सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा, वो एक सवाल हो सकता है आपको सिलेक्शन दिलवा दे दोस्तों, जो मैंने थोड़ी सी तकलीफ के लिए आपको बताया नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे दोस्तों। ये परिवार कुल मिलाकर के दिल से चलेगा और दिल से चलने वाला है। बस आप तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों, जब मैं सुबह खड़े होकर के कमेंट पढ़ू ना आपके, तो मुझे लगना चाहिए, मेरी टीम को लगना चाहिए कि रात को की गई मेहनत सार्थक हुई है। क्या सार्थक हुई है? आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ नए क्वेश्चन सीखे हैं और आप दोस्तों इनके आधार पे जम के तैयारी करने वाले हो। देखिए जीआई टैग की बात करो, अभी मेरे दोस्तों हाल ही में आपको ध्यान रखना है, गोवा के जीआई टैग हरमल मिर्च है, आपके खाजा है मेरे दोस्तों मोइरा केला है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में लाडलो मणिपुर का काला चावल चकहाओ, इसके साथ में तेलंगाना का रुमाल है, केसर दोस्तों जम्मू कश्मीर का है, एक मेरे लाडलो कुछ दिनों पहले मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, शाही लीची बिहार दोस्तों, क्या शाही लीची बिहार पढ़ाया था, एक असम में और पढ़ाया था मेरे दोस्तों आपको तेजपुर में, कहां पर असम तेजपुर में भी पढ़ाया था मैंने आपको। इसके साथ में दोस्तों एक सवाल आपको कोहबर पेंटिंग झारखंड का, झारखंड ध्यान रखना, और 10 वर्ष के लिए मिलता है, पहला दार्जिलिंग को मिला। अब देखना कुछ स्टैटिक जीके के दोस्तों टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाने हैं, इनमें से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, बौद्ध संगति इस पर स्टार लगाना, आज ही चारों जो बौद्ध संगति है पहली कहां पर हुई थी, कौन उस समय इसके अध्यक्ष थे, 100% पढ़ के जाना। और दोस्तों हीनयान महायान जो दो धर्म जो दो भाग बने थे उनके बारे में पढ़ लेना, जैन धर्म के भी दोस्तों श्वेतांबर दिगंबर पढ़ लेना, फिर कह रहा हूं ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ना, हर बार पूछ रहा है। नृत्य मेरे दोस्तों ये तो फिक्स बात है कि दो सवाल डांस के आ रहे हैं क्या, पर मेरे दोस्तों दो में से एक तो ऐसा सवाल है जो सवाल आने के बाद गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, वो दोस्तों कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन कौन से डांस निकाल करके दोस्तों चिपका रहा है, क्या कौन कौन से डांस निकाल रहा है, इस पर एनर्जी वेस्ट बिल्कुल मत करना, पढ़ना है तो क्लासिकल डांस पढ़ लेना। फिर देखना महात्मा गांधी इसका इनका जन्म कब हुआ, भारत में कब आए थे दोस्तों, कौन कौन से आंदोलन किए हैं, इनकी बुक का नाम क्या है, इनके द्वारा कौन कौन सी संस्था बनाई गई, सब पढ़ लेना महात्मा गांधी। सिंधु घाटी सभ्यता बता चुका हूं पढ़ना है, विटामिन दोस्तों पढ़ने, क्या विटामिन पढ़ने, उनके नाम क्या है, उनके दोस्तों उनका जो केमिकल नेम है वो क्या है, ग्रंथि के बारे में पढ़ लेना, अभी बता चुका हूं वरना क्लास में पहले देख लेना, केमिकल नेम ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए हर पेपर में कोई ना कोई केमिकल नेम पूछा जा रहा है, निश्चित पूछा जा रहा है, आप देखना पेपर उठा करके, जैसे मेरे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडा, किसका धोने का, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 मेरे दोस्तों ये है आपके खाने का सोडा, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद में कॉपर सल्फेट नीला थोता दोस्तों, क्या नीला थोता, कैल्शियम सल्फेट मेरे दोस्तों ये तो हो गया जिप्सम, क्या है ये तो जिप्सम है, इसमें से दोस्तों अगर आपके आधा अणु बचे किसका जल का CS4.5H2O ये बनता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना मेरे दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, अगर आपसे पूछे MgOH का होल ट्वाइस ये ध्यान रखना ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। एक आपसे पूछ सकता है दोस्तों H2SO4 गंधक का तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड, एक पूछ सकता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों पेट में होता है, कहां होता है पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल HCl, एक पूछ सकता है एक्वारेजिया, क्या एक्वारेजिया मेरे दोस्तों ध्यान रखना है सोना भी इसके अंदर गल जाता है एक्वारेजिया अम्लों का राजा दोस्तों एक्वारेजिया, एक आपसे पूछ सकता है यहीं पर इसके साथ में दोस्तों ये सारे सवाल पूछ सकते हैं आपसे इसीलिए पढ़ा रहा हूं ये सभी ध्यान रखना। एक आपके दोस्तों लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस ये भी पूछ रहा है बार बार, इसके साथ में दोस्तों आपके कुछ और सवाल है जो पूछ सकता है, ये ऐसे सवाल आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसके साथ में रोग के बारे में पढ़ लेना,
वायरस से कौन सा है दोस्तों, जीवाणु से कौन सा है, कुछ फेमस रोग हैं वही बार बार पूछ रहा है। ये तो मेरे दोस्तों मेरी क्लास हो गई, जो मैंने जिस उद्देश्य से ली थी आपके सामने वो एक ही मात्र उद्देश्य था, कौन कौन से सवाल मेरे दोस्तों आए हैं, कौन कौन से भविष्य में आने वाले हैं। जो बचे हुए सवाल है ना मेरे लाडलो, वो आपको मैं सोमवार को कराऊंगा, जो पेपर होगा उसके सवाल आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको भविष्य की रणनीति तैयार हो। और मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी और पटवार के लिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें इतने सवाल तुम पढ़ लोगे मेरे दोस्तों, इन्हीं में से घूम घाम के इसी खिचड़ी में से कोई ना कोई सवाल तुम्हारे एग्जाम में टपक जाएंगे, तो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अब मुझे दोस्तों एक कमी जो महसूस हुई तुम्हारे अंदर, वो है मेरे लाडलो इंग्लिश की कमी। क्या जो इंग्लिश है मेरे दोस्तों, जो वोकैब है ना, वो वोकैब मेरे दोस्तों अपनी क्या है, जमीन के अंदर है। क्या जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर है दोस्तों वोकैब अपनी। हमको पता ही नहीं जोरू का गुलाम इंग्लिश में क्या कहलाता है, क्या क्या कहलाता है दोस्तों, नरसंहार को क्या बोलते हैं हमको पता ही नहीं मेरे लाडलो। तो हम मैंने ये सोचा मेरे दोस्तों, उत्कर्ष परिवार ने ये सोचा, निर्मल सर ने ये सोचा, क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो अब आप मुझे बताओगे कि जो डेली मेरे दोस्तों, क्यों ना जिस प्रकार करंट की क्लास डेली होती है, इसी प्रकार मेरे दोस्तों डेली वोकैब का एक डोज, जिसमें कुछ वोकैब के सवाल मेरे दोस्तों आपके लिए स्टार्ट किए जाएं। क्या ये मेरे दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ये इंग्लिश वोकैब धमाका जो है वो लेकर आऊं या नहीं आऊं। आज का ही समय, क्या रविवार का समय दोस्तों, सोमवार को तो आपके कमेंट्स को देख करके घोषणा कर दूंगा सुबह वाली क्लास में। क्या सुबह वाली क्लास में सोमवार को दोस्तों ये घोषणा कर दूंगा कि डेली डोज। देखिए मैं चाहता हूं मेरे दोस्तों, जब हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज में कमजोरी छूटे ना। क्या ये इंग्लिश जो वोकैब है ना, अगर वोकैब अच्छी है तो ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी है तो स्पोकन अच्छी है मेरे दोस्तों। क्या स्पोकन अच्छी है, वोकैब अच्छी है तो मेरे दोस्तों कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। आप सोचिए किसी से आप मिलने गए, क्या किसी से आप मिलने गए, उसने मेरे दोस्तों आपको कुछ ऐसा बोल दिया इंग्लिश में जो अपने ऊपर से गया, क्या ऊपर से गया, और दोस्तों हमारी उसने बेइज्जती की और हम हंसने लग गए, क्या हमें पता ही नहीं क्या बोल गई। तो सोच कर देखिए कितना बड़ा धमाका होगा मेरे दोस्तों, कतई जहर वाला। क्या तो मेरे लाडलो, इसलिए क्यों ना डेली करंट की तरह डेली वोकैब को भी दोस्तों तैयार किया जाए, क्यों ना आपका एक रजिस्टर इस बात का बनवा दिया जाए जिसमें डेली वोकैब को धुआं धुआं किया जाएगा। कहां से उठाएंगे वोकैब, कैसे आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, किसको लाने वाला हूं तुम्हारे सामने, ये सब तब डिसाइड होगा जब तुम इस बात पर कमेंट करोगे कि सर ये लाएं या नहीं लाएं। इसका समय मेरे दोस्तों निर्धारित कर लेना, आपको केवल शाम को 5 बजे तक ही कमेंट करना है, तभी तक के कमेंट माने जाएंगे। क्या शाम को 5 बजे मेरे दोस्तों कमेंट, उसके बाद के नहीं माने जाएंगे, उसके बाद में सीधा डिसीजन होगा। क्या डिसीजन होगा, अपने दम पर कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा रसगुल्ला कहीं अटके ना। क्या कहीं ना अटके मेरे दोस्तों, रसगुल्ला सीधा सीधा पेपर को नस्ते नाबूद करके आए। चलिए हंसते रहिएगा, आपने खूब मेरे दोस्तों सुना होगा मुझे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, दिल गार्डन गार्डन हुआ होगा क्वेश्चंस को देख करके दोस्तों, खुद पर गर्व हुआ होगा कि हम इस परिवार के मेंबर हैं जहां पर केवल और केवल मेहनत चलती है। क्या केवल और केवल मेहनत चलती है, जो पानी से नहाएगा वो केवल दोस्तों लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, वो वर्दी पाएगा। क्या वो वर्दी पाएगा, रेलवे को फोड़ेगा, वो पटवार को धुआं धुआं कर देगा। चलिए फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे तक, गला थोड़ा खराब है, सही करके वापस आऊंगा तुम्हारे बीच में, और ये नई जो श्रृंखला है ना, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आपकी अनुमति होगी, लगेगा मुझे दोस्तों कि आपका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, तो आपको ये श्रृंखला मैं स्टार्ट करवा दूंगा। हाँ, ये स्टार्ट होने के बाद में डेली वोकैब दोस्तों तुम्हारी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 15-20 मिनट का खेल होगा, बस तुमको ये बताना है कि ये
प्रारंभ किया जाए या नहीं किया जाए। चलिए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। संडे को दोस्तों जिनका एग्जाम है उनको तो पढ़ना ही है भाई साहब, जिनका नहीं है आराम से मेरे दोस्तों चिल मारना। क्या आराम से चिल मारना, इस ऊपर वाले माले को थोड़ी शांति देना। संडे मंडे से तो वापस मेरे दोस्तों इसको युद्ध में उतरना है। क्या हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और अंत में दोस्तों वही लाइन, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।